मंत्रिपरिषद की बैठक में विचार, 15 मई तक 795 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की होगी आवश्यकता, उपलब्धता मात्र 351 मेट्रिक टन ही। ऑक्सीजन के उठाव के लिए प्रदेश में 26 अतिरिक्त टैंकरों की आवश्यकता, तीसरी लहर की आशंका को ध्यान में रखते हुए ले रहे फैसला। राज्य सरकार को कोविड प्रबंधन के लिए जरूरी संसाधन समय रहते जुटा लेने चाहिए। बैठक में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जल्द से जल्द खरीद सुनिश्चित किए जाने, राज्य में ऑक्सीजन के अधिक से अधिक प्लांट स्थापित करने और दवाओं का भी स्थानीय स्तर पर उत्पादन करने के लिए सभी संभव प्रयास करने पर सहमति व्यक्त की गई। 125 करोड़ में 59 निकायों में लगेंगे ऑक्सीजन प्लांट, करीब 2 महीने में ये प्लांट स्थापित हो सकेंगे। मंत्रिपरिषद की बैठक में विचार, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक और प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम 1966 में संशोधन के प्रस्तावों का अनुमोदन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर और राज्य में चलाए जा रहे आयुष प्रोजेक्टो एवं NHM आदि में संविदा पर कार्यरत नर्स कंपाउंडर कार्मिक को बोनस अंक दिए जाकर सीधी भर्ती में वरीयता दी जा सकेगी। आयुर्वेद नर्स एवं कंपाउंडर जूनियर ग्रेड की सीधी भर्ती में निर्धारित योग्यता रखने वाले विभागीय कार्मिकों को उच्च पद का लाभ दिए जाने के उद्देश्य से 5% के वर्तमान प्रावधान के स्थान पर 10% के प्रावधान को मंजूरी दी। इससे विभाग में कार्यरत परिचारकों को लाभ मिलेगा और अनुभवी कार्मिकों की सेवाएं मिल सकेगी। आयुष नर्स एवं कंपाउंडर जूनियर ग्रेड की सीधी भर्ती के लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा दी जाने वाली BSc डिग्री को भी निर्धारित योग्यता में शामिल करने की मंजूरी मिली।